हे फ्रेंड्स, फ्लाइटेक जोन में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं कि हम एमएस वर्ड में लिस्ट और सब लिस्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा इजी भी है, थोड़ा सा तगड़ा भी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं लिस्ट, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, लिस्ट। लिस्ट में हम देखेंगे सबसे पहले सिंगल लिस्ट, क्या देखेंगे, सिंगल लिस्ट देखेंगे, फिर हम देखेंगे सब लिस्ट, ठीक है। तो ये है, अब पढ़ते हैं सिंगल लिस्ट। हम पढ़ रहे हैं सिंगल लिस्ट, ठीक है ना। तो सिंगल लिस्ट में क्या होता है फ्रेंड्स, ये है, ये एक दो तीन, ये जहां मेरा माउस जा रहा है ना, इनका यूज है और इसका यूज है, इन पांच चीजों का यूज है, ठीक है ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, कुछ मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मोबाइल ब्रांड पता ही है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोबाइल ब्रांड में एप्पल, सोनी, सैमसंग, नोकिया और एलजी, ठीक है, ये ब्रांड है। अब मैं चाहता हूँ ये लिस्ट में बदल जाए, ठीक है। मोबाइल ब्रांड है, ठीक है, मोबाइल के अंदर एप्पल है, सोनी, मगर ये लग रहा है कि ये इसके अंदर लिखा है, मैंने कुछ लग रहा है आपको कि मैंने इसके अंदर लिखा है, नहीं लग रहा होगा ना। ये 1 2 3 कुछ लिखना तो पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा, या फिर कोई बुलेट लिस्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो 1 2 3 लिख दें हम, तो 1 2 3 लिख सकते हैं हम, ठीक है। आपको क्या करना है, ये सेलेक्ट करना है, ये आगे 1 2 3, ठीक है ना। हम ए बी सी डी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, छोटे वाले ए बी सी डी लिख सकते हैं, या फर्स्ट सेकंड थर्ड ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा यूं कर देते हैं ताकि लगे, हाँ। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ ताकि और अच्छा लगेगा, हाँ, ठीक है ना। तो ये होता है लिस्ट बनाना, ये सिंगल लिस्ट है, अभी मैं क्या बता रहा हूँ आपको, सिंगल लिस्ट, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स में क्या क्या होता है, जैसे बनाना होता है, ठीक है, ग्रेप्स होते हैं, ओके, कीवी होती है, ओके, ऑरेंज होता है, और वाटरमेलन भी कहते हैं, ओके। अब ये फ्रूट्स के अंदर लिस्ट है, फ्रूट्स के अंदर क्या है, लिस्ट है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लेके यहाँ पे मैं जाऊँगा 1 2 3 4 ए बी सी डी ऐसे कर सकता हूँ, जैसे ए बी सी डी कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा यूँ कर दूंगा ताकि इसके नीचे रहे। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, थोड़ा सा बोल्ड कर दूंगा ताकि लगे, हाँ भाई इसकी लिस्ट है, ओके फ्रेंड्स। तो ये फ्रूट्स हो गए। अब क्या होता है, अब मैं ले लेता हूँ वेजिटेबल्स, मेरे को वेजिटेबल्स की पांच लिस्ट चाहिए, मतलब पांच पॉइंट्स चाहिए, जैसे कैबेज हो गया, कॉर्न हो गया, कॉर्न भी वेजिटेबल्स में आता है, पोटैटो हो गया, कैरेट हो गया, टोमेटो हो गया, ओके फ्रेंड्स। तो ये पांच हो गए वेजिटेबल्स। अब मैं इसको क्या करूंगा, सेलेक्ट कर लूंगा। अब मैंने आपको ये बता दिया ये कैसे 1 2 3 होता है, 3 5 होता है, ये सब बता दिया, ठीक है ना। अब इसमें आपको कुछ ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या है, ये बुलेट लिस्ट है, मैं इसको ऐसे दे सकता हूँ, डिजाइन ऐसे दे सकता हूँ। आप कितनी बार बुक्स में देखते हो गए आप अपने कि ऐसे डिजाइन दिखती है, कभी कभी ऐसे डिजाइन दिखती है, कभी कभी ऐसे दिखती है, बिल्कुल दिखती है, 100% दिखती है अगर आप बुक्स पढ़ते हो तो, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये दिखती है। तो हम ऐसे डिजाइन दे सकते हैं, तो ये ज़्यादा इजी है। ये भी दे, हम 1 2 3 दे के देख लिया, ए बी सी डी दे के देख लिया। अब ये क्या है, बुलेट लिस्ट होती है, ठीक है। इसमें से कोई भी इम्पोर्टेंट, जैसे ये अच्छा लग रहा है, तो जिस हिसाब से आपको, आप अपना प्रोजेक्ट बनाओ या कुछ भी करो, उस हिसाब से आप बना सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो ये होता है सिंगल लिस्ट बनाना, ये क्या होता है, सिंगल लिस्ट बनाना,
ये होता है सिंगल लिस्ट बनाना, ठीक है। तो आपको बस ये सिंगल लिस्ट का तरीका है, ये वाला तरीका है, ठीक है। इसमें अभी भी चेंज कर सकते हैं, ये चेंजेस हो रहे हैं क्योंकि मैंने वहाँ सेलेक्ट किया हुआ है इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे होता है, तो ये सिंगल लिस्ट हो गया। अब वो हम मेरे को बनानी है मल्टीपल लिस्ट। क्या बनानी है? मल्टीपल लिस्ट। मल्टीपल लिस्ट के लिए मैं आपको मेरा ही चैनल का थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था इंट्रोडक्शन, उसके अंदर ये सब पढ़ाया है। फिर मैंने बैक स्टेज व्यू पढ़ाया है, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो में मैंने टेक्स्ट बेसिक पढ़ाया है, ठीक है ना। तो मैं इन सबको कॉपी कर लेता हूँ, इन सबको मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे जाके क्या कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। कॉपी पेस्ट तो मैंने आपको बताया ही है फर्स्ट सेकंड वीडियो में। अब ये इंट्रोडक्शन है, ये बैक स्टेज व्यू है। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है कि यार ये क्या चीज़ लिखी है, मतलब फर्स्ट सेकंड कुछ पता चल रहा है आपको, ठीक है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब मैं इसमें ये नहीं करूँगा कि मैं इसमें 1 2 3 डाल दूँ, ठीक है, नहीं मेरे को नहीं डालना है ये चीज़, मेरे को बनानी है सब लिस्ट। तो मैं क्या करूँगा, इन सबको सेलेक्ट करूँगा, इन सबको सेलेक्ट कर दूँगा, इन सबको मैं सेलेक्ट करूँगा, और फिर मैं जाऊँगा यहाँ पे, ये आता है सब लिस्ट। ये क्या होता है? सब लिस्ट। अब मैं क्या कर दूँगा, ए वाला बी, ठीक है ना, ए बी सी डी कर दूँगा, ये आ गया ए बी सी डी, ठीक है ना। अब मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर क्विक एसेस टूल बार पढ़ा है, रिबन पढ़ा है, स्क्रॉल बार पढ़ा है, मगर इंट्रोडक्शन को ए दे रहा है और बी दे रहा है क्विक एसेस टूल बार, रिबन को सी दे रहा है, स्क्रॉल बार को डी दे रहा है, मगर इंट्रोडक्शन के अंदर आने चाहिए ये, मगर ये तो ए बी सी डी इसके पार्ट दे रहा है, ठीक है ना, इसके पार्ट दे रहा है। चलो मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। अब क्या करें, 1 2 3 4 5 6 पूरी लिस्ट दे दी इसने, ठीक है ना, पूरी लिस्ट दे दी इसने। अब क्या कर सकते हैं, अब मैं क्या करूँगा, इंट्रोडक्शन के मैं चाहता हूँ कि मैंने इंट्रोडक्शन में ये सब पढ़ा है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, इन सबको सेलेक्ट करूँगा, और ये वाला बटन दिख रहा है आपको, इंक्रीज इंडेंट, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, बस ये आ गया, ठीक है ना। क्योंकि इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने पढ़ा है क्विक एसेस टूल बार, रिबन, स्क्रॉल बार, डॉक्यूमेंट पेन, ठीक है। बैक स्टेज व्यू के अंदर मैंने पढ़ा है न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो, ठीक है ना। तो इसके अंदर है सब लिस्ट, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। टेक्स्ट बेसिक के अंदर मैंने पढ़ा है इंसर्शन पॉइंट, सेलेक्ट टेक्स्ट, कॉपी पेस्ट, फाइंड एंड रिप्लेस। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ इसको क्लिक करूँगा इंडेंट वाले को, और ये मेरी लिस्ट यार, बस हो गया, कितना फटाफट हो गया। इतना फ्रेंड्स ध्यान रखना, पहले आप यहाँ पे सारे पॉइंट लिखना, लिस्ट मत बनाना, सारे पॉइंट लिखना, फिर सारा का सारा सेलेक्ट करना, फिर ही होगा, ठीक है ना। अब जैसे मैंने रिबन के अंदर दो टाइप बताए थे, एक तो मैंने बताया था, मैं इसके अंदर ही लिख रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने फर्स्ट टाइप बताया था टैब, और दूसरा टाइप बताया था कमांड, बताया था नहीं बताया था, ठीक है ना, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो। अब मैं क्या करूँगा, इधर क्लिक करूँगा, जहाँ पे मेरे को लिस्ट बनानी है ना, मैं उधर क्लिक करूँगा, ये आ गई, ये इसके अंदर रिबन के अंदर लिस्ट है, ठीक है ना। तो रिबन के अंदर मैं कितने दो टैब के पढ़ा है, टैब और कमांड, ठीक है ना, और स्क्रॉल बार और ये सब। तो ये लिस्ट बन गई फ्रेंड्स। तो ऐसे बनती है सब लिस्ट। आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ हमेशा, इज इक्वल टू आर ए एन डी, ठीक है ना। अब ये है, ठीक है ना, ये छोटा सा पॉइंट है। अब मैं क्या करता हूँ, ये छोटा सा पॉइंट है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को इसको लिस्ट बना देता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, इस पर क्लिक कर दूंगा,
ठीक है ना। अब ये लिस्ट बन गई, मगर ये क्या बनी है, नॉर्मल लिस्ट बनी है, सिंगल लिस्ट बनी है। मैं चाहता हूँ ये इसके अंदर सब आ जाए, इसके अंदर आ जाए, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं कौन सा पॉइंट चाहता हूँ, ये वाला पॉइंट आ जाए, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको सिर्फ खिसकाऊंगा। ये इंक्रीज इंटेंट है, ये आ गया, बस ये तो करना है, मैं इसको कर दूंगा। मैं चाहता हूँ ये वाला भी पॉइंट आ जाए, ठीक है। अब वन पॉइंट के अंदर कितने पॉइंट हो गए, तीन पॉइंट हो गए, और सेकेंड वाला मतलब दो पॉइंट है। अब बुक्स में देख सकते हो, बुक में देखते होगे, पढ़ते होगे कि वन वन लिखा हुआ है और नीचे है ना तीन चार पॉइंट दिए हुए हैं उसके, सेम वही चीज़ है, फिर टू पॉइंट दिया हुआ है, तो वही चीज़ करनी है हमें। आप क्या करना, एक बात बताऊँ, एक काम करना, बुक्स लेना जिसमें आपकी लिस्ट बनी हुई है, वो कोशिश करना करने की। मैंने जब मैंने सीखा था तो मैं ऐसे ही करता था, मैं बुक से प्रैक्टिस करता था और मैं परफेक्ट हो गया था फिर उसमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसमें क्या करता था, मैं लिस्ट ले लेता था, जितनी टाइप की लिस्ट होती है ना, 10-12 टाइप की लिस्ट ले ली और मैं प्रैक्टिस कर ली, खत्म। भले आप दो तीन लिस्ट भी ले लोगे ना तो भी हो जाएगा, मैंने 10-12 कुछ ज़्यादा ही ले ली थी, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ऐसे कर सकते हैं हम, तो ये बहुत ईजी तरीका है। सिर्फ आपको सिर्फ क्या करना है, ये बटन दबाना है, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ ये ए के अंदर ये दो पॉइंट भी आ जाए, तो आप इसके अंदर पॉइंट चाहते हो क्या करोगे, क्लिक कर देना, ठीक है, ये भी क्लिक कर देना। ये ए के अंदर दो पॉइंट है, ए के अंदर दो पॉइंट है। अगर नहीं चाहते हो कि यार वापस से वैसे हो जाए, तो क्या करना, ये बी आ गया, ठीक है ना, बस। तो ये चीज़ होती है सब लिस्ट बनाने का तरीका, सबसे इजी तरीका है। और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। ये अगर वीडियो समझ में नहीं आ रही तो मैं वापस से वीडियो बनाऊंगा, कि आप ये लिख देना कि वीडियो मेरे को समझ में नहीं आई है, तो मैं वापस से वीडियो अच्छी तरीके से बना दूंगा। मैं क्या करूंगा, सिंगल लिस्ट का अलग से बना दूंगा और मल्टीपल लिस्ट अलग से बना दूंगा, और थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर वीडियो थोड़े बार बार देखना, कि अगर नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा वापस देखना, 100% गारंटी समझ में आएगा फ्रेंड्स, अगर आप ढंग से देखोगे वीडियो को, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय।